वेलकम बैक टू आर के इलेक्ट्रिकल चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा है कि जो हमारी सनमाइका शीट जिसका आउटर डिफाइन करके तैयार हुआ है, अब हम उस पर स्विच सॉकेट इंडिकेटर इंस्टॉल करके दिखाएंगे और उसकी मार्किंग करके दिखाएंगे बिल्कुल सरल तरीके से। ये देखिए, इस पर हम 3 स्विच, 1 सॉकेट और 1 इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा सॉकेट है। बिल्कुल आसान तरीके से इसकी मार्किंग करके दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से, एकदम से इसमें स्केल यूज नहीं होगा। इस तरह से कुछ आप पेंसिल से इसकी सेंटर का अनुमान लगा सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा नीचे है, अभी इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके फिर से पेंसिल से इसका सेंटर निकाल कर इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमने थोड़े से हल्के से ऊपर खिसका दिए और नीचे से देखिए इतना है और ऊपर से, अब ये हमारा सॉकेट बिल्कुल सेंटर में है। और इसी तरह से हम साइड वाली भी लेंगे और साइड से भी बिल्कुल सेंटर में है। अब आप जो सॉकेट के कोने तक यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर पेंसिल से मार्क करेंगे और उसी तरह दूसरी तरफ स्विच से, स्विच की तरफ भी इसी तरह मार्क करेंगे, स्विच के निचली साइड भी इसी तरह मार्क करेंगे और ऊपर को भी, और सॉकेट के साथ भी इसी तरह आप पेंसिल से मार्क करिए। अब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं सनमाइका शीट का ही प्रयोग कर रहा हूँ। अब इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे, और ये हमारी जो जहाँ स्विच सॉकेट इंस्टॉल होने है वो मार्किंग तैयार होने वाली है। बस एक लाइन खींचनी है, ये इस तरह हमारी मार्किंग बिल्कुल तैयार होगी जिस पे हमने 3 स्विच, 1 सॉकेट और 1 इंडिकेटर इंस्टॉल किया है। और ये जो जिसमें आप कट के निशान देख रहे हैं, ये इसको